हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 30 फीट बाई 32 फीट का एक विलेज हाउस डिजाइन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, इसी मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों दोस्तों, इसकी ग्राउंड फ्लोर की वीडियो और इसकी वॉक थ्रो की वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसकी वॉक थ्रो की वीडियो भी अपलोड है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी बजट के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये इसकी एलिवेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दो फ्लोर बनाई गई है, 3 बेडरूम नीचे में, 3 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों इसकी वेंटिलेशन की बात करें तो दोनों साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी हमने प्रॉपर वेंटिलेशन किए हुए हैं। दोस्तों ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग स्टेयर से होते हुए घर के अंदर आएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे बालकनी दिए हुए है, जैसे हम लोग एंट्री करेंगे ये हमारा बालकनी मिलता है, जिसकी चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई, चौड़ाई 17 फीट है दोस्तों, लंबाई 6 फीट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से मेन डोर से घर के अंदर आएंगे तो हमें हॉल मिलता है यहाँ पे, जिसकी साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 13 फीट है दोस्तों, और इस जगह में आप लोग को 9.6 फीट मिलेगा, सॉरी। उसके बाद दोस्तों हमारा हॉल से यहाँ पे इस साइड में हमारा किचन है, जिसकी साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 7 फीट का ये हमारा किचन है, जिसमें आप यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन देख सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट में और फ्रंट में भी दिया गया है। उसके बाद ये हमारा बेडरूम वन है दोस्तों, यहाँ पे जिसकी डोर आप यहां पे देख सकते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 11 फीट बाई 10 फीट है, इसमें भी दो आपको विंडो मिलते हैं, एक फ्रंट में एक इधर राइट साइड में लेफ्ट में, और इसमें एक टॉयलेट कम बाथरूम अटैच किया गया है दोस्तों, आप यहां पे डोर देख सकते हैं जो कि यहां से है। इसकी टॉयलेट कम बाथरूम की साइज़ की बात करें तो 7 फीट बाई 3.5 फीट का ये हमारा है। उसके बगल में एक और है जो कि कॉमन है दोस्तों, उसकी भी साइज़ सेम है, अभी उसकी डोर यहाँ पे दी गई है। उसके बाद दोस्तों ये साइड में आप एक डोर देख रहे होंगे, एक यहाँ पे, ये दोनों हमारा बेडरूम है, टोटल इसमें 3 बेडरूम है दोस्तों। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 10.6 फीट का ये हमारा बेडरूम है, और इधर दूसरा वाला बेडरूम की बात की साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 11 फीट का ये हमारा बेडरूम है दोस्तों। बैक साइड में हमारा स्पेस नहीं है तो इसीलिए हमारा कोई वेंटिलेशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीढ़ी से होते हुए फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। फर्स्ट फ्लोर का प्लान इधर बिल्कुल सेम है दोस्तों, सिर्फ आपको ये बालकनी हो यहाँ पे जो ग्राउंड में है, हमने यहाँ पे विंडो ग्लास डोर लगाए हुए, और इसकी जो डोर है इस बेडरूम की डोर, वो हमने फ्रंट में लगाए हुए दोस्तों, आप चाहे तो अंदर में भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से होते हुए टॉप फ्लोर में आएंगे, तो टॉप फ्लोर में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, इस जगह में। तो दोस्तों ये इसकी डिज़ाइन है, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। इसकी ग्राउंड फ्लोर की वीडियो और वक्तरों की वीडियो हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। इसकी लागत की बात करें दोस्तों तो एक फ्लोर आप बनवाते हैं तो 12 से 16 लाख बन जाएगा, और दूसरी दोनों बनवाएंगे तो 22 से 24 लाख तक बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए।